धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल की फिल्म यमला पगला दीवाना फिर से रिलीज हो गई है। इस कॉमेडी फिल्म को क्रिटिक्स ने कुछ खास रिव्यू नहीं दिए हैं। फिल्म में कृति खरबंदा भी लीड रोल में नजर आई हैं। इस फिल्म ने पहले दिन बेहद धीमी शुरुआत की। ओपनिंग डे पर 10 से 15% तक ही बुकिंग दर्ज की गयी। बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों के मुताबिक यमला पगला दीवाना फिर से ने पहले दिन महज 1.75 करोड़ ही अपने नाम किए हैं। यमला पगला दीवाना फ्रेंचाइजी की ये तीसरी फिल्म है। दोनों के मुकाबले यमला पगला दीवाना फिर से ने सबसे धीमी शुरुआत की है। साल 2011 में आई यमला पगला दीवाना ने पहले दिन 7.64 करोड़ रुपए का कलेक्शन अपने नाम किया था। सीरीज की पहली फिल्म हिट रही थी, वहीं दूसरी को भी ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला था। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए माया हुई कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। We'll be right back.